हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा होने वाला है, क्या आपको सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा या व्यापार करेंगे या राजनीति में आप कुछ विशेष करने वाले हैं, व्यापार का दिशा क्या होगा, राजनीति के क्षेत्र से लाभ होगा या सरकारी नौकरी मिलेगी या कोई नए प्रकार का इंडस्ट्री लगाएंगे या कुछ नए तरीके का कार्य करने की अपनी योजना बना रखी है, तो सारी बातों पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और आज आपको क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको चौतरफा लाभ मिलेगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी, अर्थ के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक रूप से आप सशक्त होंगे। कोई भी यदि लेन देन करते हैं तो उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि आप कोई नया कार्य करने की प्लान कर रखे हैं तो आज उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। यदि आप ट्रेडिंग से संबंधित कार्य करते हैं या फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं या शेयर में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो आज आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और यदि कोई नया कार्य की प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज आपका समय बहुत बढ़िया है। तो जिस भी फील्ड में आज आप पूंजी निवेश करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माली हालत ठीक रहेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, अचानक कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने से भी मन प्रफुल्लित रहेगा। यदि घर वगैरह बनाने के आपने प्लान कर रखा है तो घर भी बनाने के लिए आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और विरोधी परास्त होंगे, रोग और शत्रु को हल्के में एकदम न लें, उस पर काफी अपने को प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, खान पान पर नियंत्रण रखें, बेवजह की वार्ता न करें। और यदि आप कोई नया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की प्लान करना चाहते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण, आप उस क्षेत्र में प्रयास करिए, आज आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको काफी लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। कोई नए व्यक्ति से, कोई अनजान व्यक्ति से कोई डील न करें, उनके साथ कोई व्यवसाय न करें, नहीं तो उसमें आज आपको नुकसान हो सकता है। पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपकी चिंता समाप्त होगी, पत्नी का हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत अच्छा होगा, उनको नौकरी भी मिलने की संभावना बन रही है, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, आयात निर्यात से आज आपको धन मिलते हुए दिख रहा है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी बेहतरीन है। एकेडमिक या शिक्षा में कोई भी नई पहल करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर पूंजी निवेश करते हैं या कुछ नए तरह का कार्य करना चाहते हैं, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आज आपकी समाज में एक अहम भूमिका होगी और आपको उसमें लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानियां आपको ये बरतनी है कि कोई भी चीज़ आ करके इम्पल्सिव होकर नहीं करना, आवेग में आकर कोई कार्य नहीं करना, जो भी करें बहुत सोच समझ करके बैलेंस तरीके से अगर अपने कार्यों में लगे रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना, उपाय में ये करना है कि भगवान श्री गणेश की आराधना करना है, गौशाला में जाएं और गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलावें और ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, चाहे ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक 3 है और शुभ रंग हरा है। हरे कृष्ण।